अब गांव गांव जाकर लोगों को हर क्षेत्र में जागरूक करने का काम करेगा। और इसी के चलते IIT रुड़की द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें IIT रुड़की के छात्र छात्राओं सहित रुड़की शहर के भी अन्य संस्थानों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। IIT रुड़की के प्रोफेसर की माने तो छात्र छात्राओं सहित रुड़की शहर के अन्य संस्थानों से भी छात्र छात्राएं गांव गांव तक जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्नत खेती आदि की जानकारी किसानों को देंगे। और साथ ही इस बार छात्रों के साथ शहर से अन्य संस्थानों के छात्र छात्राएं भी इस अभियान में शामिल होंगे। स्कीम है उन्नत भारत अभियान UBA, उसके तहत IIT रुड़की को रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त है। उसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे जो बच्चे हैं वो आसपास के गांव में जाकर और जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, सैनिटेशन हो, हाइजीन हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, जिसमें भी वो योगदान कर सकते हैं उसका योगदान करें। अनेक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लोगों को यहाँ बुलाकर ये एक दिन का कार्यक्रम हो रहा है। गाँव का विकास जितना होना था उस हिसाब से नहीं हुआ है। पिछले 70 सालों में, 7 दशकों में भी गाँव जिस स्थिति में पहुँचने थे अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। आवश्यकता है कि गाँव के प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। 70% देश की जनता गाँव में रहती है और यदि हम 70% जनता की भलाई के लिए कार्यक्रम नहीं चलाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और वहीं रुद्रपुर